अजमेर के नेशनल हाईवे NH-8 नारेली गांव में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिससे कार सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया और एक का इलाज जारी है। मामले की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से मदद लेकर गाड़ी से सभी को बाहर निकाला गया। उन्हें JLN अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों दोस्तों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक दोस्त का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। देवनगर पंचायत समिति सदस्य रतनलाल गुजर ने बताया कि अजमेर और पुष्कर के आसपास के गांव के रहने वाले पांच दोस्त नारेली घूमने गए थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते उनकी स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रेलर से हो गया, वह पलट गई, जिसके कारण पांचों अचेत हो गए और दो दोस्त की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी में बसे होने के चलते उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस मामले की जानकारी अलवर गेट थाना पुलिस को दी गई। पांच लोग JLN अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन जनों को मृत घोषित कर दिया, जिसमें देवनगर निवासी संजय गुजर, बासेली निवासी मनीष और गुवाड़ी निवासी प्रकाश शामिल है। वहीं हादसे में पवन गुजर गंभीर रूप से घायल हुआ है, इसका इलाज जारी है। साथ ही दीपक की हालत ठीक बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसे की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल और मृतक के परिजनों और दोस्तों भी JLN पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी की आंखें नम हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों की बॉडी को JLN अस्पताल मोर्चिए में रखवा दिया है। वहीं घायल का इलाज किया जा रहा है। यह हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसे लेकर अलवर गेट थाना पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लेकिन इस घटना के बाद परिवार के साथ ही सभी दोस्तों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के अनुसार इसमें मृतक मनीष का जन्मदिन था, इसके चलते सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। जी भाई साहब, क्या सूचना मिली थी मौके पे, क्या था? आज दिनांक 20/9/2024 को दिन में थाने पर सूचना आई कि नारेली चौकी के सामने एक्सीडेंट हुआ, जिस पर श्रीमान SHO साहब मैं जाप्ता के घटनास्थल पर पहुंचे तो वहाँ एक गाड़ी जो तेज गति डिवाइडर से टकरा कर और चित अवस्था में गिर गई, जिसमें छः व्यक्ति थे, जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति घायल अवस्था में JLNH अजमेर के इमरजेंसी वार्ड में उपचारत भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृतकों में प्रकाश सनोब श्री शंकर सिंह जाति रावत, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम गवाड़ी, संजय सनोब बाबूलाल जाति गुजर, उम्र 22 वर्ष, गांव देवनगर, पुलिस थाना पुष्कर, मनीष लादूराम, मनीष सनोब लादूराम जाति मेघवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी गांव बासेली, पुलिस थाना पुष्कर। ये तो मृतक हैं। घायल में दीपक सनोब पप्पू राम जाति गुजर, उम्र 27 वर्ष, गांव देवनगर, पुलिस थाना पुष्कर। श्री पवन सनो भागचंद जाति गुजर, उम्र 24 वर्ष, निवासी देवनगर, पुलिस थाना पुष्कर। आकाश सनोब श्री लक्ष्मण सिंह जाति रावत, उम्र 20 वर्ष, गांव मोतीसर, पुलिस थाना पुष्कर। ये तीन घायल अवस्था में जिनका इलाज चल रहा है इमरजेंसी। हाँ, ये दोस्त है, कहीं जाकर आए होंगे, अब इतना बाद में अब इतना मालूम नहीं है। लेकिन ट्रेलर में गाड़ी एक्सीडेंट नहीं, ट्रेलर में नहीं, डिवाइडर से टकराई, तेज गति थी ड्राइवर।